इस तरह से दबा दबा के, इस तरह से दबा दबा के आपको पूरा ब्रेस्ट खाली कर देना है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, जैसे कि ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले ब्रेस्ट को मसाज करना चाहिए, निप्पल क्लीन करना चाहिए, या फिर बहुत सारा पानी पीना चाहिए, या फिर पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि बच्चे को ठसका लग सकता है। चलिए जानते हैं इस सारे क्वेश्चन का आंसर। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने से पहले आपको रिचुअल फॉलो करना चाहिए। रिचुअल का मतलब है कि रोज़ प्रतिदिन आपको है ना ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो मैं आगे बताने वाली हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पियो प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चीज़, जैसे ही बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो फिर आप है ना पैनिक हो जाए कि बच्चा मेरा रो रहा है उसको फीड कराना है, बच्चा मेरा रो रहा है फीड कराना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम पीसफुल रहना है। पैनिक मदर का और ना स्ट्रेसफुल मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अचानक से गिर सकता है, इस वजह से पीसफुल है। हाँ, मेरा बच्चा रो रहा है उसको लेना है, उसको थोड़ा सा चुप करवाना है, फिर उसके बाद अपना ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू कर देना है। सपोज़ आपके पास हेल्प है तो फिर किसी को बोलो कि बच्चे को ले ले और उसको काम डाउन करे। तब तक वो काम डाउन करते हैं तब तक आप है ना एक जगह पे बैठ जाए, टीका लगा ले जिस तरह से मैंने टीका लगाया है, और बैक के पीछे पिलो ले ले और अपने जो लैप है उसके ऊपर फीडिंग पिलो या फिर नॉर्मल पिलो ले ले ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो फिर बच्चे को चुप कराओ और चुप कराते समय ये सारे चीज़ें फॉलो करो। ये चीज़ें आपको फॉलो हमेशा करनी है क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हो, ज़्यादा झुकते हो और पीछे टेका नहीं लगाते हो तो आपके बैक जो है वो पेन करेगी आगे चल के। सेकेंड रिचुअल है ना, रोते हुए बच्चे को कभी फीड नहीं करवाना है, वो आपको काट सकता है। बच्चा एकदम शांत रहे, मतलब कि थोड़ा शांत करो, हिला दो डुला दो घुमा दो, फिर उसके बाद देखे कि अच्छा सा थोड़ा सा शांत हो गया है फिर फीड करवाओ। थर्ड रिचुअल आपको फॉलो करना है, जब भी आप बच्चे को फीड कराने के लिए ले तो आपका जो ब्रेस है कुछ इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, दिख रहा है इस तरह से, इस तरह से नहीं, इस तरह से दबाओ तो अंदर नहीं जा रहा है ना, ये एकदम कड़क ब्रश है और ये एकदम सॉफ्ट ब्रश है। बच्चे को इस वाले ब्रश पे, एकदम सॉफ्ट वाले ब्रश पे फीड करवाना है। और अगर आपको लग रहा है कड़क है तो फिर बेसिन पे जाइए और अपना ब्रश से इस तरह से दबा दबा के, इस तरह से दबा दबा के आपको पूरा ब्रश खाली कर देना है। इतना खाली करें कि वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद बच्चे को दे। अगर आप कड़क ब्रेस्ट पे देते हैं बच्चे को पीने के लिए तो बच्चा ग्रिप नहीं बना पाएगा और ग्रिप बनाने की कोशिश में वो आपके निप्पल को काटेगा जिसके वजह से आपको वापस जख्म हो जाएगा। नंबर 4, ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले आपको एक ग्लास पूरा भर के पानी पीना है। वो इसलिए क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो ना तब आपको डिहाइड्रेशन फील होता है क्योंकि आप 1 डिग्री ज़्यादा भी गर्म हो जाते हो, आप है ना बच्चे को फीड करवा रहे हो इस वजह से आपके अंदर ना पानी की कमी लगती है, इसलिए एक ग्लास भर के पीना है। और प्लस इस दौरान जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हो ना उस दौरान भी अगर आपको प्यास लगती है तो एक ग्लास पानी लेके बैठना है ताकि आप पी सको। नंबर 5, ब्रेस्ट फीड कराते समय आपको क्या क्या चीज़ें लेके रखनी है। पहला आपको ना टेका लगाना है दीवार के साथ, दूसरा एक पिलो रखना है पीछे, तीसरा आपको है ना एक लैप के ऊपर पिलो रखना है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पिलो रखना है, चौथा आपको अपने साथ एक गिलास पानी लेना है जिससे है ना आप है ना अगर बीच में एग्जॉस्ट हो जाए तो उस पानी को पी सकें। एक वो क्या है ना, जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो ना तो फिर आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 80% पानी और 20% मिल्क होता है जिसके वजह से आपके शरीर में है ना पानी की कमी होने लगती है, जिसके लिए आप थोड़ा सा पानी लेके रखिए अपने साथ। नंबर 6, बच्चे को है ना एकदम कंफर्टेबल फील करवाना है। जैसे कि है ना बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइटली बांध दिया है तो फिर उसे ना अनरैप कर दीजिए ताकि ना वो एकदम कंफर्टेबल फील करे, या फिर उसने सुसु या शीशी कर दिया है तो वो पहले साफ़ कर ले फिर ही ब्रेस्ट फीड करवाए।
साथ साथ ना आपको प्रॉपर लैचिंग भी सीखनी चाहिए, किस तरह से लैच करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि कई बार है ना बच्चे को है ना सब कुछ करने के बाद भी माँ है ना अपना निप्पल फिट करवाती है, ब्रेस्ट पूरा ना निप्पल अच्छा निप्पल पे ही शक कर रहा है, और जो है ना कभी कभी क्या है आधा पौना घंटा तक दूध पिलाती है और बच्चे का जो है पेट भी नहीं भरता है। ये देखिए ये जो बच्चे का ये सारे जॉ है ना वो एकदम नाजुक होते हैं, वो थक जाते हैं, इस वजह से आप वैसा फीड कराएं कि उनका जल्दी पेट भर जाए। आपको क्या करना है निप्पल पे नहीं, निप्पल के ऊपर जो एरोला है ना वहाँ पर बच्चे का मुंह लैच करवाएं, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा बड़ा मुंह खोलने की वजह से वो अच्छे से पी पाएगा और कम टाइम में वो ज़्यादा फीड लेगा। मैं आपको है ना अपना जो एरिया है सराउंडिंग जिसे कहते हैं वो प्रॉपर वेंटिलेटेड रखें। ब्रेस्ट फिट करवाने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, तो फिर क्योंकि है ना आप जैसे ही ब्रेस्ट फिट करवाने वाले हैं ना कराओगे ना तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, और अगर गर्म माहौल रहेगा और आप गर्मी भी आपको लग रही है तो आप ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे। नंबर 9, आप ऐसी जगह ब्रेस्ट फीड करवाओ जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, ज़्यादा लोग ना हो। जब आप है ना ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो ना तो अगर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है पीछे तो बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो सही प्रेफरली यहाँ वहाँ देखते हैं और दूध जैसे नहीं पी पाते, बड़े होने में ये प्रॉब्लम नहीं आती है पर छोटे होने पर आती है, तो फिर एक ऐसी जगह फिक्स करें जहाँ पर आप हमेशा ब्रेस्ट फीड करवाएं और वहाँ पर ज़्यादा लोग ना आए। नंबर 10, ब्रेस्ट फीड करने से पहले जो ब्रेस्ट है उसे हॉट फॉर्म में टेंशन देना चाहिए, यस आप दे सकते हो, इससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होगा और हॉट फॉर्म में टेंशन से बच्चे जो दूध है वो बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा और आपका ब्रेस्ट जो है स्टेमुलेट हो जाएगा। आप कर सकते हैं हॉट फॉर्मेंटेशन। आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लेडीज से जो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिया प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद, चलिए बाय। फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको जो है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, इसलिए यहाँ तक देखा है सब्सक्राइब करके और लाइक बेल बटन क्लिक करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे बहुत सारे वीडियो जो है यहाँ पर पॉपअप हो रहे उस पे आप जाके अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।